अस्सलाम वालेकुम मतलब भाई, तो कैसे आप लोग? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, हर करिए अच्छे होंगे। तो यार मैं इसमें बंद करके गया था दोनों फीमेल्स को। एक फीमेल माशाल्लाह से अंदर ही बैठी हुई है और दूसरी ये कपड़ा ऐसे पड़ा हुआ था और जनाब साहब बाहर निकली हुई थी। यहाँ मैं टप रख के गया था, मेरे ख्याल से अम्मी ने यहाँ से टप उठाया होगा, वो वाला टप रखा हुआ था, तो ये खोल के बाहर निकल रहा है। इसने तो अपने बच्चे पालने ही नहीं, क्या करूँ मैं इसका। दूसरी वाइट वाली अंदर बैठी हुई है, उसको थोड़ा सा खोल दो, बार बुरा आ जाए कि सुबह के बंद है। आ जा, अभी इसका चेंज कर दे। तो दो चार और एक पाँच, पाँचों के पाँचों बच्चे देखो। एक इसका है जिस पे ये जो सबसे आगे है काली वाली का, बाकी चार इसके अपने। और ये पाल ले तो बात ही क्या है, नहीं पाल लेगी ना, मैं खुद हैंड फीड करवाऊँगा और क्या करेंगे। तेरे पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, तुमने ज़ाया किए सारे बच्चे। और एक मुर्गी की भी बैड न्यूज़ देनी है, वो भी अभी मैंने आके संभाला है मुर्गी को। ये ले पानी पी ले, मुर्गी जो थी ना आज सुबह, मैंने कहा ये दोनों तो बंद है, मुझे लगा अंडा ये पीता मुर्गा, तो इस वजह से ये बंद थे यहाँ। तो मैं वो खुटा खोल के चला गया था सुबह कॉलेज जाते हुए। आज का मौसम भी बड़ा आंधी आ रही है, धूप भी निकली हुई है, हल्की हल्की तपिश आ रही है, धूप नहीं है लेकिन आंधी चल रही है। देखिए मट्टी मट्टी हो रहा है सारा कुछ। तो मुर्गी जो थी ना वो किसी तरीके से वहाँ से निकली होगी खाना खुना खाने के लिए, वो इसके अंदर बंद होगी। इसके अंदर बंद हुई, मैं आया मुर्गी इसके अंदर खड़ी थी, वो खुला पड़ा था। मुर्गी के मैंने अंडे चेक किए, 10 में से 2 अंडे गायब थे। ना कोई छिलका टूटा हुआ मिला मुझे, ना कोई जर्दी मिली, कुछ भी नहीं मिला। 2 अंडे गायब थे, 8 अंडे थे। मैं उठाया नीचे ले गया अंडों को, उसको कैंडलिंग किए, कैंडलिंग किए, माशाल्लाह से 8 हो गए, 8 में बच्चे बन रहे हैं। फिर वो चेक करके ऊपर ला के अंडे सारे वापसी इधर रख दिए इसके पास। मुर्गी अब उन पर बैठी हुई है, मैंने कहा अब ये खोलना ही नहीं है। ये खोला है ना तभी कोई जानवर गया है जिसने उठा लिया, पता नहीं कौन सा जानवर गया, बिल्ली वगैरह तो आते नहीं, कोई कौवा चला गया होगा या कोई और चला गया होगा, लेकिन कहीं पर भी छिलके वगैरह का नामो निशान ही नहीं है। तो मैंने वापसी ला के अंडे रख दिए, अंडे रख के और मुर्गी वापसी बिठा दी। तो इसको कर देते हैं बंद, इसको खोलना ही नहीं है, कोई चीज आती है भाई। साल मुर्गी को मैं खुद अपनी निगरानी में खोला करूँगा। बाकी दो जो जो बच्चे थे ना जो बड़े हो गए उन्हें मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मैं कहीं आग फिर लेंगे। वो बैठे दोनों, एक वो रहा एक वो रहा। बाकी ये फर वगैरह अभी तक पड़े हैं, मैंने सफाई भी करनी थी यहाँ की। अभी अभी कॉलेज से आया, सिर्फ ये देखें बनियान पहनी है, ट्राउजर पहनी है, ऊपर आ गया हूँ इन्हें देखने के लिए। बाकी मुझे लग रहा है ये पाल लेगी, इसके बच्चों का तो पेट होगा फुल। इसका चेक कर लेते हैं इसका। हाँ, इसने नहीं पिया हुआ दूध दे दें, बहुत ही कमज़ोर होगा, इसको मैं खुद अभी पिलाता हूँ नीचे से ला के। बाकी तू दिखा, इसने माशाल्लाह से पिया हुआ है। तो एक मिनट जा तो सही, इसका पी तो सही, तुझे कुछ कहती है? पी ले पी ले पी ले, लग जा नीचे, तेरा तेरा ही है, तेरा ही है, तेरा ही है, छोड़ छोड़। पिला रही है, नहीं पिला रही, बैठे रह बैठे रह। नहीं पिला रही, इसको खुद पिलाना पड़ेगा। बाकी तुम्हें पिलाया होगा? हाँ इन्हें पिलाया होगा, इन सारों को पिलाया होगा, मोटे मोटे पड़े माशाल्लाह। इसको नहीं पिला रही, इस अकेले को, ये उसका है ना दरअसल, इसको हम खुद ही पिलाते हैं। तू मेरे साथ नीचे ही चल गा के, तो ऊपर रुकी ना, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, अपने साथ ही रखूँगा। फिर एक ये मट्टी भी खाते हैं यार कुछ, मैं कहता हूँ मट्टी से पेट पूट भर जाएगा। मैं अभी दूध ला के इसको दूध पिलाता हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो क्या नहीं, ये भी माशाल्लाह से बड़ी होती जा रही है, लग रही है इसके बच्चे खूबसूरती में पैदा होंगे। उन दोनों के थोड़े से फाइट के हिसाब से पैदा होंगे, फाइट में तेज इसके बच्चे होंगे खूबसूरती में, क्योंकि इसकी वाइट नॉर्मली है, कलर भी इसका वाइट, और हो सकता है इनका वाइट बच्चा भी पैदा हो जाए, एक आधा वाइट निकल आती है और वाइट। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।